मैं मेरठ से हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज की मीटिंग पूनम मैम कर रही हैं। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनका नाम, पूरा नाम पूनम चौहान है। ये दिल्ली से हैं और इन्हें प्रोडक्ट की और इस बिजनेस की बहुत ज्यादा नॉलेज है, और ये इस बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हैं। तो लीडर्स, मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए पूनम जी को इनवाइट करना चाहती हूँ। तो आइए पूनम जी, वेलकम। थैंक यू सो मच रेनू जी। और थैंक यू मैम। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और नाम मेरा बता ही दिया, पूनम चौहान, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, और बहुत ही पैशनेट होके इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। और प्रोडक्ट जो है वो मेरा फेवरेट सेक्शन है, बल्कि सबका होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पर अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करेंगे और उसके बारे में लोगों को बताएंगे अपनी टीम के अंदर, तो हमारा वॉल्यूम होगा और वॉल्यूम से ही हमें पैसा आएगा, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन अगर उसमें प्रोडक्ट आपका मूव नहीं हो रहा या फिर लोग यूज नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है। तो आज हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बहुत ही बढ़िया होम केयर प्रोडक्ट की, जिसको हम कहते हैं लॉन्ड्री डिटर्जेंट, है ना। मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ, और जस्ट अ मिनट। तो ऐसा एक बेसिक प्रोडक्ट है ये, आप सबको पता होगा कि जो हर घर की जरूरत है, हर घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो एटमी बास्केट में है होम केयर रेंज में, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और अभी हमारे इंडिया में तो ये लिक्विड फॉर्म में ही आया है, लेकिन अगर मैं और कंट्रीज की बात करूँ तो ये पाउडर फॉर्म में भी है और सॉफ्टनर भी आता है इसका। तो अभी हमारे पास जो है वो नॉर्मल एटॉमी लिक्विड डिटर्जेंट है, लॉन्ड्री लिक्विड डिटर्जेंट है। और हम सबको बताए कि हम सबके घरों में कपड़े धुलते हैं, है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट काम है, बहुत ही बेसिक काम है। और अगर आप सोचें कपड़े ना धुलें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई घर शायद ऐसा नहीं होगा जहाँ पर कपड़ों की सफाई ना होती हो। और कपड़ों की सफाई के लिए, उनकी चमक को बरकरार रखने के लिए, उनकी सॉफ्टनेस को बरकरार रखने के लिए, उनको लंबे समय तक उनमें चमक बनी रहे, तो हर कोई अपने हिसाब से कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करता है। और कोशिश यही रहती है कि जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो अच्छा रिजल्ट दे, मतलब उससे सफाई अच्छे से हो, हमारे कपड़े ठीक ठाक रहे और हमारे बजट में भी हो, सबसे बड़ी बात। लेकिन इन दोनों बातों के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आज एक और चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो है हमारे एनवायरनमेंट की और हमारी हेल्थ की, कि क्या वो जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं अपने किसी भी क्लीनिंग के काम के लिए, चाहे वो मैं लॉन्ड्री डिटर्जेंट की बात करूं, अपने जो हम नहा धो रहे हैं उन प्रोडक्ट्स की बात करूं, या फिर मैं अपने डिश वॉशिंग प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो क्या वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी बच्चों की स्किन के लिए, और सबसे बड़ी बात हमारे एनवायरमेंट के लिए सेफ हैं? शायद हम जब कभी जो इंसान है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसी वजह से आज जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग और हमारी नदियां पॉल्यूटेड हैं, हमारा जो वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है, जमीन के अंदर का पानी प्रदूषित होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत सेल्फिश हो गए। हमने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे अच्छे यूज करे, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल गए कि कीमत के साथ साथ, या फिर वो जो काम कर रहा है उसके साथ साथ, एक और चीज मायने रखती है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो है हमारा एनवायरनमेंट। क्या वो उसके लिए सेफ है? अभी कल की ही मीटिंग में भीष्म जी एक एग्जांपल दे रहे थे कि किस तरीके से जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है और या फिर जो नॉर्मल डिटर्जेंट होता है वो किस तरीके से डिफरेंट होता है ना, और कौन सा वाला ज्यादा अच्छा होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे, कोई भी कंपनी का आप नाम लो, है ना, मैं आज सर्च कर रही थी तो सर्फ एक्सेल से लेके, मतलब हर एक कंपनी लिक्विड फॉर्म में डिटर्जेंट को बना रही है। लेकिन क्या वो जो लिक्विड फॉर्म में भी बना रही है उसमें क्या वो ऐसे इंग्रेडिएंट यूज कर रही है कि जो हमारे
सरफेस के लिए या फिर हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए या हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ होंगे? तो ये भी एक चीज सोचने की और इसे सर्च करने की जरूरत है। मैं आपसे पर्सनली बोलूंगी कि चीजों को सर्च करना सीखिए। अगर आपके पास एक लॉन्ड्री डिटर्जेंट का प्रोडक्ट है तो आप उसका कंपैरिजन जरूर कीजिए। मैं आपको एक कंपैरिजन यहाँ पे करके दिखाऊंगी आज की मीटिंग में, क्योंकि आज के टाइम में हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन एक चीज से हम एक चीज से हम नहीं बच सकते, वो है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण, जैसे मैंने बता ही दिया कि जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं या फिर जो हम चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सीधा सीधा उसको इफेक्ट करते हैं। अगर डिटर्जेंट की बात करूं तो एनवायरनमेंट के साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली भी हमें को वो नुकसान पहुंचा रहा है। आप देखोगे कुछ लोगों को इतने स्किन इशू हो जाते हैं इन चीजों को यूज करने से कि उनको ग्लव्स पहनना पड़ता है या फिर वो ये काम कर ही नहीं सकते, वॉशिंग के क्लीनिंग के काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें इस तरह की स्किन एलर्जी हो जाती है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को रैशेज आ जाते हैं, बच्चों के रैशेज की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, या फिर उनको सांस संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो डिटर्जेंट या फिर जो क्लीनिंग प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें ऐसे केमिकल यूज करे गए हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। डायरेक्टली हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया है, स्किन इशू हो जाते हैं, कई तरह की एलर्जी हो जाती है ना, या फिर हमें एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि एक साथ नहीं होता लेकिन लंबे समय तक इन चीज़ों को यूज करने से, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया में ऐसे बिकते हैं जो कि और कंट्रीज में बैन है, लेकिन हमारी कंट्री का सिस्टम ऐसा है कि जो चीज बैन होनी चाहिए वो खूब धड़ल्ले से बिकती है, और जो चीज सही है उसको खरीदने में लोग भी सोचते हैं और गवर्नमेंट भी उसको लाने में सोचती है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर अगर बहस करी जाए तो, लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि फिर क्या करें, कपड़े पहनना छोड़ दें या फिर धोना छोड़ दें? तो उसका एक सॉल्यूशन है, पहले के टाइम में जैसे कपड़े धोने के लिए नेचुरल चीजों का, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज होता था। पहले के टाइम में भी तो लोग नदियों में ही कपड़े धोते थे, कुएं के पास कपड़े धोते थे, लेकिन फिर भी उसका पानी गंदा नहीं होता था, फिर भी उतना पॉल्यूशन नहीं होता था। उसका एक और भी रीजन है कि पॉपुलेशन कम थी, है ना, गाँव में लोग रहते थे, ऐसी चीजें। लेकिन एक बात यहाँ जानने वाली है कि वो ऐसी चीजें सफाई के लिए यूज करते थे जो कि नेचुरल होती, जिससे कि जो हमारे रिसोर्सेज है ना वो पॉल्यूटेड नहीं होते थे। बट फिर उसमें एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या अब हम दोबारा से उस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम नेचुरल चीजें इकट्ठी करें, फिर उनको मतलब जो भी प्रोसेस होता है वो चीज करें, है ना, और फिर उसको हम अप्लाई करें या यूज करें? क्योंकि सबको आजकल क्या चाहिए, रेडीमेड, क्योंकि आजकल पैसे की टाइम की कीमत है ना, टाइम का मतलब पैसा। लोग रोज भी कपड़े नहीं धो पाते, वो हफ्ते में एक दिन ही लॉन्ड्री करते हैं। तो सबको क्या चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो इजी टू यूज हो, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत सेफ हो, और जो कि हमें रेडीमेड मिल जाए, हमें उसके लिए ज्यादा सोचना ना पड़े, जैसे हम अपना और कोई डिटर्जेंट या प्रोडक्ट यूज करते हैं उसी तरीके से वो हो जाए। तो अब हम बात करेंगे हमारे एटमी लिक्विड डिटर्जेंट की। आपके पास ऐसा सॉल्यूशन आ चुका है, एटमी लिक्विड डिटर्जेंट। ये इतना खास क्यों है, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि ये एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना गया है, है ना, नेचर फ्रेंडली। आवाज कट रही है, अब ठीक आ रही है रेनू? नहीं मैम, ठीक है, आपकी आवाज ठीक है। अच्छा, रेनू जी के यहाँ तो नहीं है नेटवर्क, आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी? आवाज सही है रेनू की। रेनू आपके यहाँ पर है शायद कुछ प्रॉब्लम? हाँ जी, तो नेचर फ्रेंडली डिटर्जेंट है हमारा, और इसमें जितने भी क्लीनिंग एजेंट आप एलिमेंट्स जो इस्तेमाल करे गए हैं वो नेचुरली उनको लिया गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें मशीन वॉश भी कर सकते हैं, रेगुलर जैसे हम अपना ड्रम वॉश करते हैं वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले हम इसकी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में आता है ये, है ना, 2 लीटर की, 2000 ml की क्वांटिटी में आता है ये। और अगर मैं इसका बात करूं, क्योंकि सबसे पहले लोग यही पूछते हैं जब आप उनको कोई प्रोडक्ट बताते हो तो वो उसके इंग्रेडिएंट बाद में पहले बताओ कितना है, ठीक है, कितना कितना चलेगा ये। तो देखिए, अगर आप 10 किलो तक कपड़े धो रहे हैं
तो ये आपका 40 ml लगता है रेगुलर वॉश में, और अगर आप ड्रम वॉश का मतलब है बकेट वॉश करते हैं आप, तो ये 35 ml लगता है, क्योंकि जब हम हाथ से कपड़े धोते हैं तो उसमें पानी की क्वांटिटी हम कम रखते हैं, तो पानी की क्वांटिटी कम रखेंगे तो उसमें डिटर्जेंट भी कम डालेंगे, ठीक है। और हाथ से जब हम कपड़े धोते तो इतने ज्यादा कपड़े हम नहीं धोते, लेकिन अगर आप फिर भी 10 kg तक अगर आप वेट के कपड़े धो रहे हैं तो आपको इसमें 40 ml रेगुलर मशीन में और 35 ml आपको ड्रम वॉश में यूज करना है। अगर आप 6 से 9 किलो तक यानी कि मीडियम साइज की जो हमारी मशीन होती है उसमें अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो 35 ml आपको मशीन में यूज करना है और 30 ml आपको इसको ड्रम वॉश में यूज करना है। अगर 5 kg यानी कि स्मॉलर मशीन है आपकी तो 25 ml आपको डालना है ये, और 20 ml आपको ये ड्रम वॉश में यूज करना है। और ज्यादा मतलब वैसा हिसाब लगाने की जरूरत है, मोटा मोटी मैं बता दूं कि 1 लीटर पानी में ये 1 ml के हिसाब से डलेगा, यानी कि अगर आप बड़ी वाली मशीन में 40 लीटर पानी भर रहे हो, ठीक है, 40 से 50 लीटर पानी भर रहे हो तो ये आपको 40 ml डालना है। 30 से 35 ml पानी भर रहे हो तो 35 ml, और 25 लीटर तक पानी भर रहे हो तो आपको 25 ml डालना है। अगर मैं इसकी बात करूं कि किस तरीके से हमें इसको मेजर करना है, तो इसका जो कैप है मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम में दिखाऊंगी, इसके कैप में ही आपको सारा मेजरमेंट इसका दे रखा है कि किस तरीके से हमें इसको मेजर करना है। और नेचर फ्रेंडली है डिटर्जेंट, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो नेचुरली वाले यूज करे गए हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा प्लांट सोर्स से यूज करे गए। क्या फीचर्स हैं इसके, सबसे पहली बात तो कि इसमें पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट, एक कटीली झाड़ियां जैसी होती है, ठीक है, बिल्कुल एकदम सुई की तरह उनकी वो झाड़ी होती है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है ना वो डाल रखा है, ठीक है। और वो क्या करता है, जो भी हमारी स्किन इरिटेशन होती है, जैसे मैंने अभी बोला कि जो बाहर के डिटर्जेंट है उसमें स्किन इरिटेशन होगी या नहीं होगी इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने उसमें ऐसा कोई, लेकिन हमारा एटमी का जो डिटर्जेंट है इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट डाल रखे हैं कि अगर आप बच्चों के कपड़े भी धोते हैं तो आप देखते होंगे ना कि गर्मियों में ज्यादातर लोगों को रैशेज हो जाते हैं, घमोरियां हो जाती है, क्योंकि जो अपने कपड़ा धोया तो हमारे कपड़ों के मतलब ऐसा मतलब डिजाइन होता है कि जो उसके क्या कहते हैं रेशे होते हैं ना, कई बार क्या होता है कि उनमें से वो जो डिटर्जेंट है निकल नहीं पाता, वो उसमें रह जाता है, और जब हम उस कपड़े को पहनते हैं और वो जो पसीने के साथ और हमारी स्किन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है इरिटेशन वाला काम करता है। तो आप देखते होंगे कई लोगों को घमोरियां हो जाती हैं, कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, कई लोगों को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा डिटर्जेंट भी है। तो ये क्या करेगा, जो पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट इसमें डाल रखा है, एक तरह का प्लांट होता है, वो क्या करता है हमारी जो स्किन की इरिटेशन है ना उसको कम करता है, मतलब कि वो नेचुरल एलिमेंट है स्किन की जो इरिटेशन है उसको कम करने का, यानी कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 क्लीनिंग एजेंट डाल रखे हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल क्लीनिंग एजेंट है, जिसमें कि एक है थोड़ा नाम उसका डिफिकल्ट है, क्विलेलिया, एक है सोप बेरी, एक है सोप वॉर्ड। तो क्विलेलिया जो है ये भी एक फॉर्मिंग एजेंट बनाता है, ये भी प्लांट सोर्स से ही लिया गया है, ये एक फॉर्मिंग एजेंट का काम करता है यानी कि झाग बनाने का काम करता है और साथ साथ क्लीनिंग भी करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सोप बार, ये भी एक क्लीनिंग और एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी होती है इसके अंदर, यानी कि साथ साथ क्लीन भी करेगा आपके कपड़ों को और एक एंटीबैक्टीरियल आपके कपड़ों के अंदर ये क्वालिटी छोड़ेगा। बहुत सारी क्रीम्स होती हैं, बहुत सारे स्किन के एक्ने, एक्जिमा या फिर बग बाइट्स होते हैं, उसकी जो क्रीम्स वगैरह बनती हैं उसमें ये पाक बार सोप बार को यूज किया जाता है। तो सोचिए जो चीजें क्रीम में या फिर सोप में या फिर एक्ने एक्जिमा को ठीक करने में यूज होती हैं वो आपके डिटर्जेंट में डाली गई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने ना सिर्फ क्लीनिंग का ध्यान रखा है, क्लीनिंग एजेंट तो है ये, लेकिन साथ साथ आपकी स्किन का भी ध्यान रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी स्किन तो ठीक है लेकिन बच्चों की या फिर हमारे घर में जो ओल्ड एज होते हैं उनकी स्किन बहुत ही डेलिकेट हो जाती है, जिसको जो मतलब अगर हम सही प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे तो उसकी वजह से उन्हें इरिटेशन होती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ सोप बेरी, तो सोप बेरी क्या है, हमारा हिंदी भाषा में हम बोले तो उसको रीठा है उसका, ठीक है, बहुत ही जेंटल होता है, बहुत ही इफेक्टिव सोप होता है। पर जैसा मैंने बताया कि पहले के टाइम में भी लोग कपड़े धोते थे वो नदी के किनारे, अपने जो भी छोटे छोटे तालाब होते थे या फिर कुएं के पास कपड़े धोते थे, लेकिन फिर भी उसका पानी गंदा नहीं होता था, क्यों, क्योंकि वो ऐसी चीजों का यूज करते। तो उसमें से एक बहुत ही फेमस और हमारा जाना पहचाना जो कि एशिया में ही होता है
उसका नाम है रीठा। तो रीठा से आपने सुना होगा कि बाल भी धोए जा सकते हैं, लेकिन मैंने अभी पढ़ा कि रीठे से सिर्फ ना बाल धोए जा सकते हैं, कपड़े भी उससे धोए जा सकते हैं, डिशेस भी उससे साफ करी जा सकती है, सरफेस भी उससे साफ करा जाता है, हेयर तो करे ही जाते हैं और कपड़े भी उससे साफ होते हैं। तो इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से रीठा का यूज करा गया है। तो ये तीन प्लांट मतलब सोर्स से लिया गया है जो ना सिर्फ सर्फेक्टेंट का काम करते हैं बल्कि बहुत सारे दागों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिटाते हैं ये, बिना किसी तरह के हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेम वही है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो मैंने तीन जो प्लांट सोर्स के नाम लिए ना, ये बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब कि इनके अंदर क्वालिटी तो है लेकिन ये बहुत ही सॉफ्टली स्टेन को मिटाते हैं। तो कंपनी ने क्या करा है, उसके अंदर बेकिंग सोडा भी ऐड करा है। बेकिंग सोडा आपको सबको पता है एक तरह का फैटी एसिड होता है बेकिंग सोडा में, और उसकी एक खास क्वालिटी होती है कि वो जमी हुई गंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ करता है। यानी कि अगर कोई कपड़ा भी होता है ना, तो या फिर कहीं से निशान नहीं छूट रहा होता, या आपको एक क्वालिटी और पता होगी कि अगर कोई चीज बंद है, जैसे कि अगर कोई ड्रेनेज सिस्टम भी बंद है, अगर हम उस पर थोड़ी देर के लिए बेकिंग सोडा डाल के छोड़ देंगे और फिर उस पर गर्म पानी डाल देंगे तो वो ड्रेनेज को भी हटाएगा। तो उसके अंदर ये क्वालिटी होती है बेकिंग सोडा के अंदर कि जो भी आपके जिद्दी दाग धब्बे होते हैं है ना, उनको छुटाने का बहुत अच्छी तरीके से काम करता है ये। और कहीं ना कहीं जो बेकिंग सोडा होता है, जो हमारे स्वेट के या फिर कोई लोग स्मोक करते हैं या फिर जितने भी एसिडिक स्टेन या फिर जो भी स्मेल होती है, उसको बहुत ही इजीली और इफेक्टिवली हटाते हैं। तो आप समझ सकते हैं इतने नेचुरल तरीके के इंग्रेडिएंट इसके अंदर लिए गए हैं, इतनी नेचुरल तरीके की चीजें ली गई हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को भी सेफ रखती हैं। और कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है कि जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है ना सिर्फ, बल्कि और लोगों के लिए भी अच्छा है, आपके एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। तो अगर मैं बात करूं कि फिर बात आती है कि चलो इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं, क्वांटिटी बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइस की बात करते हैं। तो देखिए कभी भी जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट क्वालिटी को थोड़ा ध्यान में रखिए। अगर आप एकदम मार्केट के निर्मा या फिर जो घड़ी होता है डिटर्जेंट, कंपैरिजन सही नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए लिया है एक वेस्टीज का प्रोडक्ट और एक एम्बे का प्रोडक्ट। तो एम्बे का प्रोडक्ट तो 2000 ml में नहीं आता, 1000 ml में ही आता है, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए मैंने क्या करा है कि सबका जो प्राइस है इस तरीके से स्लाइड में दिखाया गया है कि सबको क्या करा है 2000 ml की क्वांटिटी में लाया गया है। तो अगर हम सबसे पहले अपने एटॉमी के लिक्विड डिटर्जेंट की बात करें तो ये 1300 रुपये का है 2000 ml, और वहीं पे अगर मैं वेस्टीज के लिक्विड डिटर्जेंट की बात करूं तो वो 1500 रुपये MRP का पड़ेगा अगर 2000 ml लेंगे तो। और अगर मैं एम्बे के लिक्विड डिटर्जेंट की बात करूँ जो मैंने बहुत सालों तक यूज़ करा, तो उसका जो अगर मैं 200 ml की बात करूँ तो वो 1770 रुपये का आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम सेम काइंड प्रोडक्ट से अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा एटमी का है वो प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता पड़ता है। चलेगा कितने टाइम तक तो वो मैंने आपको बता ही दिया, डिपेंड करता है फैमिली साइज क्या है, डिपेंड करता है कि कपड़े कितने धुलते हैं। लेकिन अगर मैं हस्बैंड वाइफ दो बच्चे चार या 4 से 5 लोगों की बात करूँ तो ये आपका डिपेंड करेगा कि कितने बार वहाँ पर, जैसे कि अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरा आराम से 4 से 5 महीने तक ये वाला प्रोडक्ट चलता है। तो मैं अगर देखूँ तो ये मेरा लगभग क्या कहते हैं 200 से 250 रुपये पर मंथ का मेरा खर्चा इसके अंदर बैठेगा। तो अगर कॉस्ट इफेक्टिव बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो यहाँ पर अगर पूजा जी तैयार हैं तो मैं पूजा जी को बुलाना चाहूंगी, प्लीज अनम्यूट का ऑप्शन उनको। गुड इवनिंग पूनम जी। गुड इवनिंग पूनम जी। पूजा जी आप को होस्ट है ना, कैसे हैं आप पूजा जी? गुड इवनिंग पूनम जी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अच्छा, तो बड़े दिनों बाद बात हो रही है पूजा जी आपसे, तो हम लोग कैमरा ऑन कर ले। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा चलिए, कैसे हैं पूजा जी? बहुत बड़े अच्छे लग रहे हैं आप तो, मेहंदी मेहंदी लगा रखी है।
आज तो कपड़े धोने में सब उतर गई लेकिन मेरी। अच्छा आज आपने भी कपड़े धोए? आज हमारे बहुत सारे कपड़े, आज का दिन लॉन्ड्री का दिन होता है तो पूरे दिन से हम कपड़े ही धोने में लगे हुए थे मोस्टली। ओहो इतने सारे कपड़े। अच्छा आप दिल्ली में घूम कर आए हो तो कपड़े ज्यादा हो रहे होंगे ना आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल वही कारण है। अच्छा अच्छा आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, मैं अच्छी हूँ। और बताइए कपड़े धोए आज, धोले आपने है ना, तो कौन सा कैसे मतलब क्या यूज करते हैं आप कपड़े धोने के लिए? मैं टाइड सर्फ यूज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता है वो रीजनेबल भी है और अच्छा। मतलब यूज तो ज्यादा करना पड़ता है लेकिन रीजनेबल पड़ता है, 80-85 रुपए किलो पड़ता है खाली। और अच्छा। साथ व्हाइट कपड़ों के लिए मैं आला मंगा लेती हूँ व्हाइट अच्छा। रखने के लिए, और जो सॉफ्टनेस अच्छा। सॉफ्टनेस के लिए मैं कम्फर्ट यूज करती हूँ, कम्फर्ट यूज करने से कपड़े सॉफ्ट रहते हैं, आपको भी मालूम होगा वो तो है ना। हाँ मालूम तो है, लेकिन अभी मैं तो खैर कोई और प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। तो फिर पता है, actually, इतने सारे प्रोडक्ट अलग अलग यूज करना झंझट नहीं लगता? सॉफ्टनर के लिए कुछ और, व्हाइटनिंग के लिए कुछ और कपड़े धोने के लिए कुछ और, लगता तो है लेकिन क्या करें, अब है ना हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके व्हाइट कपड़े चमकने भी जरूरी है, और जैसे अच्छा। कि आपको पता है कि आजकल फैब्रिक बड़ा अलग अलग होता है, लीलन की शर्ट्स होती हैं तो उनको सॉफ्ट रखना भी जरूरी होता है, और अगर हमें मतलब ओवरऑल मेंटेन करने के लिए तो रखना ही पड़ेगा ना, हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। इवन वॉशिंग मशीन से निकाल के हम बाहर रगड़ते भी, उन्हें ब्रश भी लगाते हैं कॉलर कफ साफ करने के लिए, क्योंकि सर्फ सर्फ से तो होता नहीं है वो। तो फिर तो जरूर आपकी मेहंदी भी हट गई और आप आज पूरे दिन थक भी गए होंगे। ओहो तो पूजा जी आपने कभी सोचा नहीं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें कि ये सारी खूबियां हो और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, उतना कॉस्ट का भी ना पड़े, मेरे बजट में भी आ जाए, तो आपने कभी ट्राई करा है ऐसा सर्च करने का? अभी तक तो नहीं किया पूनम जी। चलिए तो मैंने आज शायद इसीलिए आपको मीटिंग में भी इन्वाइट करा था, और वैसे तो आप क्या कहते हैं बहुत अच्छे जानकार हैं मेरे, लेकिन मैंने भी अभी तक आपको बताया नहीं। लेकिन जैसे मैं आपकी प्रॉब्लम को सुन मतलब प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तक आपको इसके बारे में शायद मालूम ही नहीं कि ऐसी चीजें भी होती हैं जिसमें कि हमें मतलब सारी चीजें एक ही उसमें आ गए, तो मैं अभी जब से मेरे पास आया है 3-4 महीने में तब से मैं ये वाला डिटर्जेंट यूज करती हूँ। आप देख पा रहे हैं पूजा जी? हाँ जी दिख रहे हैं है ना, ये हमारा एटॉमी का है। ओके मैंने बिजनेस बताया था ना आपको, मैं एक बिजनेस करती हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये उसी का एक होम केयर का प्रोडक्ट है हमारा लिक्विड डिटर्जेंट। ओके तो ये अच्छी खासी 2 लीटर की पैकिंग में आता है। ओके और सबसे अच्छी बात है पूजा जी इसमें व्हाइटनर यूज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा पड़ा हुआ है, इसमें रीठा पड़ा हुआ है, तो आपको कपड़ों के लिए ना व्हाइटनर यूज करना, ना सॉफ्टनर यूज करना, और ना आपको अलग से जैसे आपने बोला ना आला लाती हूँ या कम्फर्ट लाती हूँ ना, व्हाइट कपड़ों के लिए बहुत मेहनत लगती है, अलग से आपको रब करने की भी जरूरत नहीं है, इतना इफेक्टिव है। अच्छा एक ही प्रोडक्ट से हमारी सारी जरूरत कंप्लीट हो जाएगी? हाँ जी एक ही प्रोडक्ट से, मल्टीपर्पज प्रोडक्ट। कितने का है पूनम जी ये? पूजा जी वैसे तो ये 1300 रुपए का है ना 2 लीटर। और अगर मैं वैसे अगर आपको बताऊं जैसे आप मेरी फ्रेंड भी हो तो मैं तो आपको इसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दूंगी, तो ये 1121 रुपए का पड़ता है 2 लीटर 1121 रुपए का। हाँ जी अरे बाप रे, मेरा तो 8 किलो सर्फ 700 रुपए में आ जाता है आपको पता है। अच्छा, आला कंफर्ट सब मिला के मतलब 500-600 रुपए महीने में मेरा खर्चा निकल जाता है इसका, सर्फ का और आला का कंफर्ट का। 1121 तो बहुत ज्यादा हो गई। और ये 1121 का प्रोडक्ट अगर आपका 5 महीने चला तो आप कॉस्ट निकालिए, क्योंकि आप तो अकाउंट फील्ड से जुड़ी हुई है मुझे पता है। हाँ जी हाँ जी 1121 का 5 महीने चल जाएगा? 5 महीने क्योंकि मुझे पता है आप हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं आपके। हाँ जी तो 4-5 महीने आपका चलेगा, अगर 4 महीने भी चलता है, अगर आपको खुला यूज करने की आदत है फर्स्ट मंथ में आप बिल्कुल अच्छे से यूज करें, 4 महीने भी चलेगा तो आपका क्या कॉस्ट आया? फिर तो 300 रुपए भी नहीं पड़े महीने के, 300 रुपए भी नहीं पड़े। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें ऐसी चीजें यूज करी गई है, मैंने आपको बताया जैसे आप बीच में मुझे बोल रहे थे ना आपके हाथों में एलर्जी हो रही है। हाँ जी बिल्कुल बहुत होती है। आपने कितना डॉक्टर को दिखाया था, आप उससे भी बच जाएंगे। ओ ऐसा, वो तो मेरी बहुत फ्रेंड्स को है वो प्रॉब्लम, तो क्योंकि सर्फ में तो अपने को पता है कि कास्टिक सोडा होता है जिसकी वजह से हमारे हाथों में एलर्जी हो जाती है तो आपका एक तो ये मल्टीपर्पज हो जाएगा, सिर्फ आपको एक ही प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, दूसरा ये इतना कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा आपको, और तीसरा बजट में भी आ जाएगा।
हाँ अगर 300 रुपए मंथली में हमारा अगर इतना सारा काम अच्छे से हो रहा है तो फिर मैं तो यूज करके देखना चाहूंगी और अपनी फ्रेंड्स को भी बताना चाहूंगी क्योंकि उनको स्किन की प्रॉब्लम है। तो ऐसा करते हैं आप मेरे लिए एक भिजवा दीजिए ना, या फिर ऐसा करते हैं मैं आपका बिजनेस भी, आप बता रहे थे कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप मुझे वो हाँ भी बताइए साथ तो में। मैंने बताया ना कि वैसे आपको ये MRP 1300 रुपए का पड़ेगा हाँ और जी सबसे अच्छी बात है पूजा जी ऑनलाइन आ जाएगा, आपके घर तक आ जाएगा, आपके डोर स्टेप तक आएगा डिलीवरी बॉयज को देने के लिए और बस ओके आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है और यूज करना है। आपको बिजनेस भी मिलेगा, जो मार्केट से प्रोडक्ट लाते हो उसमें आपको किसी भी तरह का और बेनिफिट नहीं होता हाँ ये है बात ना। तो है। थोड़ा ये हो सकता है कि कोई स्कीम आ रही हो, बाल्टी है कुछ है उसके साथ, वो आपको कभी कभी फ्री मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने मेहनत करके या फिर किटी पार्टी में मुझे पता है आप ज्वाइन है ना, उसमें भी जाके अगर अपना प्रोडक्ट बताया और आप इतना NGO का और सोशल उससे जुड़ी हुई है, अगर आपने इन चीजों के बारे में भी लोगों को बताया तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर लेंगे। तो ठीक है फिर आज आप अगर शाम को 4 बजे फ्री हैं तो अपन मिलें। हाँ जरूर, 4 बजे मैं आती हूँ, आज तो नहीं कल आती हूँ मैं पूजा जी आपके पास में, और मैं ठीक ऐसा है करती हूँ आपके लिए एक लिक्विड डिटर्जेंट ले आती हूँ, हाँ आप ठीक एक है। ला दीजिएगा मुझे, तो फिर जब इतना बजट में पड़ रहा है तो फिर मैं जरूर लेना चाहूंगी, है ना। हाँ एक बार आप जरूर मेरे कहने से यूज करके दीजिए देखिए, और जो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोल रहे थे उसके लिए आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए, हाँ पैन जी कार्ड आधार कार्ड जो भी आपका आईडी नहीं प्रूफ मैं है तो वो मैं आपको रजिस्ट्रेशन भी कर दूंगी, और कल मैं एक आपके नंबर से आपको ऑर्डर भी करके दिखा दूंगी। फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं अपनी फ्रेंड्स को बुला लूंगी, आप उनको भी बता दीजिएगा ताकि हाँ मेरे हाँ बिजनेस भी स्टार्ट हो जाए मेरा साथ में। हाँ जी हाँ जी, तो वो भी हम कर लेंगे पूजा जी, ओके थैंक यू ठीक है पूजा। पूजा जी, एक ओके। चीज और भी पूछनी थी मुझे आपसे कि जो हाँ जी हाथ में एलर्जी हो जाती है, अब जो हाँ यूज करे जी, उससे तो हो गई वो एलर्जी, लेकिन अगर वो ठीक करना चाहें हम तो क्या करना पड़ेगा तो हमें? उसके लिए पूजा जी हमारे पास बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है, हमारा बॉडी शैम्पू और हमारा बॉडी लोशन। तो मैं ऐसा करूंगी आप अपनी फ्रेंड को बुला के लाओगे ना, हाँ तो मैं जी उसको टेस्ट करवाने के लिए एक अपना खुला वाला भी ले आऊंगी और एक एक पैक वाला भी ले आऊंगी, क्योंकि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग स्टॉक में ये सब चीजें रखते हैं, हाँ अगर जी उनको इफेक्टिव लगा तो मैं उनको वहीं के वहीं से दे दूंगी, ओके पूनम जी थैंक यू सो मच। ठीक हाँ है। चलिए फिर जी मिलते हैं 4 बजे है हाँ ना, जी हाँ जी चाय कल भी, का बिल्कुल चाय साथ बना में, के चाय रखना। हाँ चाय भी नाश्ता भी। चलिए थैंक ठीक है यू पूनम ओके जी। ओके ओके, ओके बाय पूजा बाय जी, बाय। बाय। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, इतना ही आसान है शायद इन प्रोडक्ट को रिटेल करना, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं तो बहुत इजीली हम किसी को बता सकते हैं कि पूजा जी और मैंने आपको एक छोटा सा डेमो देके बताने की कोशिश करी, इतने लाजवाब प्रोडक्ट हैं। अगर टाइम रहा तो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगी, जिसकी प्रिपरेशन के लिए मेरे पास अभी मतलब मुझे कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, तब तक हम चलते हैं। आई थिंक मैंने सारी चीजें बताई दी, और अगर मैं इसके MRP DAP की बात करूँ तो MRP इसका 1300, DAP 1121 रुपए, और जो PV है इसका 5700 PV मिलता है आपको। सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू माई होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं पूनम जी, आपने इतना अच्छा ये जो डेमो दिखाया है, मैं समझती हूँ लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये प्रोडक्ट हमें किसी को कैसे बताना है, दिखाना है और देना है, और इस बिजनेस में कैसे इनवाइट करना है। और मैम जिस तरह से आपने इस डिटर्जेंट की खूबियां बताई, शायद ही कोई बता सकता है, इतना अच्छा आपने सबको समझाया। और मैं तो खुद ये डिटर्जेंट यूज करती हूँ तो मुझे तो इसके बेनिफिट पता ही है कि ये जैसे आपने बताया 4 से 5 महीने चल जाता है बहुत आराम से, इसलिए ये कॉस्टली तो बिल्कुल है ही नहीं, कोई भी ये मत सोचे कि ये कॉस्टली है। तो हाँ जी, तो आपने और पूजा जी के साथ जो डेमो किया वो तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैं आगे की होस्टिंग अरुण सर को देना चाहूंगी। तो थैंक यू सो अरुण मच, हाँ थैंक यू सो मच रेणु जी फॉर वंडरफुल होस्टिंग, और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप, आई होप बहुत जल्दी आपके बिजनेस थैंक यू, में। ओवर टू अरुण सर। थैंक यू पूनम मैम। आपने आज रिटेलिंग का कंसेप्ट बता के मुझे लगता है बहुत सारे की जितने भी लोग नहीं बता पाते हैं, खासतौर पे फीमेल तो बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। जैसे आज पूनम मैम ने बताया कि बातों बातों में अपनी सारी चीज बता दी उन्होंने कि ये ऐसे भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। मुझे लगता है हर कोई
ट्राई करना पड़ेगा, बस वही वाली बात है ना कि एक एक्शन लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर आप बोल सकते हैं तो ये हो सकता है, अगर आप बोल नहीं सकते तो कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में। तो उसकी खूबियां हम सबको पता है कि बेस्ट प्रोडक्ट है लिक्विड डिटर्जेंट। मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने इसको यूज़ किया होगा, जिन्होंने नहीं किया है तो जब तक वो यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो शायद उसके बारे में बता भी नहीं पाएंगे। तो टेस्टिमोनी की तरह आप उसको एक बार यूज़ करके सामने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली या जो भी हैं या नेबर्स कह लीजिए, उनको एक डेमो की तरह दे दो आप। आप देखो ऑटोमेटिकली रिटेल हो जाता है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अभी देखते हैं कि हम क्या आगे का प्रोसेस है। तो भीष्म जी, हम आगे का क्या प्रोसेस है ताकि सबको बता पाए हम? सर यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले हम वो ले लेते हैं, या फिर कोई यूज कर रहा है उसके जो टेस्टिमोनियल हैं तो अगर वो कोई शेयर करना चाहता हो तो वो आप तो एक बार राइट ले लीजिए। तो हम सबसे पहले टेस्टिमोनी ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि हम पूनम मैम से लेंगे। अपना आप एक्सपीरियंस इसके बारे में बता सकते हैं जिन्होंने यूज किया है और वो इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो। सरोजा सर, राइट, सरोजा सर, सर वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस नॉट क्लियर सर। सरोजा सर थोड़ा सा वॉइस के लिए दोबारा बोलिए। सरोजा सर नेटवर्क प्रॉब्लम, सरोजा सर नेटवर्क प्रॉब्लम है नेटवर्क एरिया में, प्लीज। तब तक हम, हेलो जी सर, अभी क्लियर है? हाँ अभी क्लियर, बोले सर। उदय सर हमारा घर में जो टैप में सप्लाई वाटर आता है और सप्लाई वाटर इट इज नॉट सिक्योर, उसमें थोड़ा सा कलर बड़ा कलर पानी हो जाता है, तो हम कपड़ा उसका ऊपर बांध के सफा अच्छा पानी यूज करते हैं। तो वो कपड़ा जब गंदा हो जाता है ना, उसको हमने अपना लिक्विड डिटर्जेंट से सफाई किया, पूरा क्लियरली साफ हो जाता है, व्हाइट रह जाता पूरा कपड़ा। ठीक है, बहुत कम यूज होता है, 1 लीटर पानी में मैं 1 ड्रॉप कर 1 ml इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा मेरा कपड़ा भी सफा अच्छा, मैं भाई हैंड सफा, मेरे वॉशिंग मशीन नहीं है भाई, हाथ में धोता हूँ। हेलो जी, जी 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 बोले बोले। तो कपड़ा सारे मेरा अच्छा सफाई होता है। पहले तो दोनों मैडम को, क्योंकि हम फिर कह रहे कि हम ट्रेनिंग के पार्ट से देखते हैं, रिकैप और रिटर्न इतना जबरदस्त हुआ मैडम लोगों का। रिटर्न में मैम का एक लाइन, पूनम मैडम का एक लाइन कि मैं प्रोडक्ट लेते आऊंगी और बता दूंगी कैसे ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है, ये लाइन इतना जबरदस्त था कि ऑटोमेटिक बिजनेस स्टार्ट करके आएंगे। तो रिटर्न और रिकैप ये दोनों जबरदस्त था इसमें, नो डाउट, गजब का मजा आ गया। और वॉशिंग मशीन, वॉशिंग का बताया सर कि अभी करीब 3-3.5 महीना हो गया होगा, आधा बचा हुआ, मेरा अभी हाफ बचा हुआ है। और कपड़ा धुलने की तो बात सब लोग कहते हैं सर, हम सच में अपने मनी प्लांट में, हम 2 गमले में लगाए हुए हैं, एक मनी प्लांट को कोई देखता तो कहता है कि ये कोई अलग वैरायटी का है, जबकि उसी का जड़ है। इसके पानी में वो पावर है सर, कभी फोटो शेयर करेंगे ग्रुप में सर, दोनों मनी प्लांट सेम है। और हम टेस्ट किए हुए थे सर, ड्रेन पानी को वॉशिंग मशीन से ड्रेन करने के बाद उसको बाल्टी में रख लिए और बाल्टी में हम चादर को भिगोए सर, चादर लिटरली सर इतना गजब का साफ हुआ कि अब बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या है।
जबरदस्त है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सुशील जी। अवधेश जी, पुनः मैम आप जब रेडी हो जाएं तो प्लीज बता दीजिएगा। यस यस यस, थैंक यू सर। थैंक यू अरुण सर। मैं आज कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं पूनम मैम और जो है पूजा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा, और ये भी साथ में कहना चाहूंगा कि आज पूनम मैम की इस प्रमोशन से, इस वीडियो से पता नहीं कितने आर्डर लग जाएंगे, ये तो 100% है। तो ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू पूनम मैम। और मैं बताना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि मैं इस प्रोडक्ट को पिछले 3 महीने से यूज कर रहा हूँ। इतना शानदार प्रोडक्ट, यकीन मानिए कि मुझे डिटर्जेंट घिसने में कपड़े में बहुत, मतलब बहुत बोरियत महसूस होती थी, लेकिन जब से मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ तो मैं घर में बोलता हूँ कि आओ बताइए किसके कपड़े साफ करने हैं। यकीन मानिए मैं दिल से बात बता रहा हूँ। और जो है मैं एक बार कपड़े को जो है भिगोता हूँ, निकाल के फिर दोबारा कपड़े को डालता हूँ, 3 बार तक मैं कपड़ों को जो है निकाल के भिगो के रिजल्ट लिया हूँ, बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। और इस प्रोडक्ट ने वाकई में बहुत जबरदस्त जो है जादू किया है, मेरा तो बहुत पसंदीदा प्रोडक्ट है, और निश्चित रूप से जो भी यूज करेगा उसका फेवरेट प्रोडक्ट की लिस्ट में ये आ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, ग्रेट। आपने ये बता दिया है कि कपड़े आजकल आप धुल रहे हो घर में। यस यस सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच अवधेश जी। सर पहले हम एक डेमो कर लेते हैं, फिर हम लोग इसका क्या कहते हैं ले लेंगे। राइट राइट, थैंक यू। तो मैं इसमें हेल्प लेना चाहूंगी विष्णु जी। आ जाओ विष्णु चौहान जी, अवधेश जी के बाद आपकी बारी। वो दरअसल ट्राइपॉड की वजह से डैमेज हो गया इतना। तो फ्रेंड्स ये डेमो जब मैं क्या कहते हैं कई बार कर चुकी हूँ, क्योंकि जब हम बताते हैं कि इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि मतलब कोई भी जो डिटर्जेंट होता है या फिर वो इतनी अच्छी सफाई दे रहा है तो वो मतलब बिल्कुल 100% ऐसा नहीं हो सकता कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल जरूर होगा। लेकिन मैं वो आज आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये मेरे पास 2 ग्लास हैं, ये डेमो आप छोटा सा कर सकते हैं इसका दिखाने के लिए कि ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। तो मैंने क्या करा, 2 ग्लासों में पानी डाला, और बहुत ही इजी है ये, 2 मिनट में हो जाएगा। 2 ग्लासों में पानी डाल के मैंने क्या करा, एक में मैंने अपना एटमी का लिक्विड डिटर्जेंट डाला। जैसे मैं आपको ये बता रही थी कैप की क्वांटिटी, तो इसमें सारे साइजेस आपको मिल जाएंगे। ये 40 ml है, और यहाँ तक का जो आपका है ये 60 ml है, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है वो 20 ml का है, अगर आपको दिख रहा हो सही से। तो इजिली आप इसमें ही नाप के डाल सकते हैं। अगर और कंपनीज की बात करें तो वहाँ पर हमें ये परचेज करना पड़ता था जनरली, और 45-50 rupees कॉस्ट आता था, लेकिन कंपनी ने क्या करा है 1121 rupees डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में ये कैप भी इंक्लूड करा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इस बॉटल को आप और बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं हो रहा ना सही, अपने कैमरे से कर लेना, दिख नहीं रहा। तो मैं ये बिशन की आप मैम का फोन पकड़ दीजिए, सिंपल बस। छोड़ो मैं ठीक है। तो मैं एक में, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, एक में मैं ये अपना एटमी का डिटर्जेंट डाल रही हूँ, और एक में मैं ये अच्छा खासा फेमस ब्रांड है, नाम नहीं लूंगी, तो एक में मैं ये डाल दूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा एटमी का है ये आप सब देख रहे हैं बिल्कुल क्लीन है, ठीक है ना।
इसमें कोई भी रेजिड्यू नहीं है। लेकिन ये जो मार्केट वाला आप देखेंगे, ये जो हमारे मशीन का खराब होने का कारण, और हम लोग बात कर रहे हैं कि लिक्विड डिटर्जेंट, लेकिन आप सबको पता है अभी कितना हमारा परसेंटेज होगा कि जो लोग लिक्विड डिटर्जेंट, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो पाउडर डिटर्जेंट होता है वो लिक्विड डिटर्जेंट से क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। तो लोग जनरली अभी भी 80% लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, वो पाउडर डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं। तो हमारी मशीन के चौक होने का, हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके रुकने का सबसे बड़ा कारण, और जो आप यहाँ गंगा में जमुना में जो झागी झाग देखते हैं ना कहीं उसका भी सबसे बड़ा ये जो कारण है कि हम जो ये सर्फ वगैरह यूज कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये रेजिड्यू कभी भी घुलता नहीं है, ये चूना पत्थर क्या क्या मिलाया जाता है इसका वेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फेमस ब्रांड है और बोला जाता है कि केमिकल फ्री है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें केमिकल देखने के लिए इसमें मैंने ये हल्दी ली है, ठीक है, और हम थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने एटमी वाले में डालते हैं, अगर केमिकल होगा तो केमिकल शन होगा और हल्दी का कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन आप सब देख सकते हैं हल्दी का कलर हल्दी जैसा है। इसमें भी ट्राई करते हैं, तो फ्रेंड्स आपके सामने है और नेचुरल इंग्रेडिएंट और केमिकल फेस प्रोडक्ट, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। इतना केमिकल है कि टोटली चेंज कर दिया उसने उसको कलर को। सो ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें आप लोगों को करके बता सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिल्कुल केमिकल फ्री है। I think so. I am done. Great, ma'am. Back to Arun sir. Thank you, ma'am. शायद मुझे लगता है अब order तो इसमें कोई शक नहीं बढ़ने वाले हैं, और ये जो demo था इससे हमें ये पता चल गया है कि हमको क्यों वो recommend करना है। सबसे बड़ी बात क्या है, recommend करना है, ये जो हमारा product है हमको क्यों बताना है, इसका रीजन सबको शायद पता चल चुका होगा दोस्तों। और आने वाले फ्यूचर के लिए भी हम लोग हमेशा जो कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट को भी हमने एक अच्छा बनाना है, उसके लिए भी बहुत सारे लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं है सारे लोग नहीं चाहते, चाहते हर कोई है, बट उनको कोई ना कोई वो चाहिए, उपाय चाहिए। तो ये उपाय आज दिया गया है, तो थैंक यू पूनम जी, बहुत शानदार। तो हम ऊपर से अब काजल जी को ले लेते हैं, उनका क्वेश्चन या फीडबैक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग पूनम जी। गुड इवनिंग रेशम सर। पूनम मैम आपका तो मतलब ये डेमो था, प्रेजेंटेशन था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सर मैं ना अभी पिछले 3 महीने से डिटर्जेंट यूज कर रही हूँ। सर मतलब इतना मैं पिछले 3 महीने से सर ये डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं एटम का जी। तो सर मैं बताना चाहूंगी, जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया ना, तो मेरे हस्बैंड के ने फेवरेट व्हाइट कलर की जीन्स थी, उस पे सर कीचड़ के दाग लग गए थे। मैंने बहुत ट्राई किया पर वो दाग नहीं जा रहे थे, बट अभी वो व्हाइट जीन्स कैसे पहनेंगे, मतलब वो निकालने के लिए मैंने रख दिया था। तो जब ये डिटर्जेंट है ना, मैंने बोला चलो मैं ट्राई करती हूँ। सर मैंने जैसे मतलब वो धोया ना, तो मतलब बिल्कुल दाग दबों का कुछ नामो निशान भी नहीं था, तो मैं तो इतना खुश हो गई कि ये। उसके बाद सर अभी मैं ना मतलब 3-4 जनों को मैंने सैंपल इनके लिए भेजा था कि आप यूज करके देखो, हर तरफ से मुझे अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया है। और तो सर मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और मैं पर्सनली टूथपेस्ट और डिटर्जेंट ही मैं पर्सनली रेकमेंड करती हूँ कि भी आप ये यूज करके देखो, क्योंकि वो तो हर एक घर की नीड है ना, वो तो उसके बिना तो किसी का काम चल ही नहीं सकता है। सर मेरा बेटा कुछ बोलना चाहता है, 15 साल का बेटा है मेरा, वो कुछ बोलना चाहता है। सर प्लीज प्लीज मैम, मोस्ट वेलकम। Good evening, sir. Good evening. How are you? Fine, sir. Sir, actually, yes. मैं ना मतलब एक दिन हमारे घर पे मेड नहीं आई थी, एंड मम्मी उस समय दिन में सो रही थी, तो मैं सोचा कि मैं ना पोचा लगाता हूँ घर पे मम्मी को सरप्राइज करने के लिए। बट मेरे को जो फ्लोर क्लीनिंग का लिक्विड होता है वो नहीं मिल रहा था, इतने में मेरी नजर है ना उसी दिन मतलब उसी दिन ही एटॉमिक का डिटर्जेंट आया था,
तो मेरी नजर उस पर पड़ी एंड मैंने मीटिंग में सुना था पूजा आंटी बोल रही थी कि डिटर्जेंट बहुत अच्छा है मल्टीपर्पज के लिए, तो मैं सोचा कि एक बूंद डाल के इसको ट्राई किया जाए घर पे। तो मैंने घर पे पोछा लगाया और बहुत घर चमक रहा था। मम्मी जैसे ही उठी और मम्मी ने घर देखा तो मम्मी ने पूछा कि ये क्या है। मैं बोला मम्मी मैंने ना एटॉमिक का डिटर्जेंट से पोछा लगाया है एंड इतना अच्छा, मतलब आप उसको कपड़े भी धो सकते हो, आप उसे पोछा भी लगा सकते हो, मतलब एक ऑलराउंडर चीज बन जाती है ये। वाओ। और सर उसके बाद है ना, और सर बाद उसके बाद है ना, मुझे दो यहाँ के, मैं हैदराबाद से हूँ सर, हैदराबाद के दो शोरूम से सर मुझे फ्लोर क्लीनिंग के लिए सर इसका ऑर्डर मिला है। अरे वाह वंडरफुल, बहुत शानदार जी सर, अमेजिंग। ये देखिए एक्चुअली यही हम कहते हैं कि सबसे पहले इस्तेमाल करें फिर आप किसी को भी कुछ भी बता सकते हैं। देखिए अचानक कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ चमत्कार होता है। तो थैंक यू। मैं नाम जानना चाहूंगा मैम, काजल मैम उनका सर, मेरे दक्ष मेरे बेटे का नाम दक्ष है। थैंक यू दक्ष, वंडरफुल। और आपने वो जो मम्मी की मदद करी और पोछा लगाया उसके लिए भी आपको हैट्स ऑफ, बहुत अच्छी बात है। और आपने एक नई चीज बहुत सारे लोगों को आज बताई कि उससे ड्रॉप लेकर भी जो होते हैं पोछा लगाया जा सकता है और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। थैंक यू सर। मेरे पापा है ना बोल रहे थे कि घर के लिए, मतलब पापा उस दिन रात को ना, तो मैं पापा को भी बताया पापा ऐसी ऐसी चीज देखो मैंने किया है पोछा लगाया, तो पापा बोल रहे थे अब तो घर पे शीशे की भी जरूरत नहीं, जमीन पे देख के कंघी कर सकते। ग्रेट ये शानदार रिव्यू है और ये एक शानदार बात है। तो थैंक यू, बहुत शानदार दक्ष एंड काजल मैम, थैंक यू। एंड मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि आप है ना जितना हो सके डिटर्जेंट सबको रेकमेंड कीजिए, क्योंकि डिटर्जेंट अगर आप अपना भी रिव्यू देंगे ना तो सामने वाला लेगा ही लेगा। वाओ वंडरफुल दक्ष। आई थिंक भीषम जी भी शायद कुछ बोलना चाहते हैं। भीषम जी, अच्छा आप तो को-होस्ट हो। ओके भीषम जी। यस सर जी। गुड इवनिंग भीषम सर। गुड इवनिंग काजल जी, एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपके रिव्यूज देख करके, आपका टेस्टिमोनियल्स देख करके, आपका पूरी फैमिली इन्वॉल्व है बिजनेस में। मैं सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि ये बिजनेस फैमिली के साथ किया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। जैसे हम आपको पता है एज ए फैमिली बिजनेस को कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटेड माइंड है मेरा, तो वही कैलकुलेशन मैं आपके सामने रखूंगा कि आप लोगों की टीम अच्छी खासी है, किसी की 50 लोगों की टीम है, किसी की 100 लोगों की, किसी की 200 लोगों की, किसी की 2000 लोगों की। तो ये इतना पावरफुल प्रोडक्ट है डिटर्जेंट, इसमें 5700 पीवीएफ 5700 पीवी है इसमें। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये डेमोन्स्ट्रेशन किट तैयार करनी है आपको और आपको पूनम को फोन करना है, बिकॉज वी वर वेरी फेमस इन आवर लास्ट बिजनेस। हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन किट भी तैयार करके देते थे लोगों को, तो अभी ये देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ रिकमेंडेशन करना बहुत ही पॉसिबल है हमारे लिए कि आपको क्या क्या उस डेमोन्स्ट्रेशन किट में आप रखोगे, बिकॉज जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे सारे डेमोन्स्ट्रेटिव हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं, वेदर इट इज पेस्ट और अपना डिटर्जेंट या फिर कोई भी क्रीम। बट हाँ डिटर्जेंट की बात करूं मैं, तो डिटर्जेंट का आपके पास अपना खुद का डेमोन्स्ट्रेशन किट होना चाहिए। अब कैलकुलेशन में आते हैं हम लोग। यदि आपके पास, आपने क्या किया, 10 लेफ्ट में और 10 राइट में, 10 लेफ्ट में और 10 राइट में डेमोन्स्ट्रेशन किट बनवा दी आपने और वहां से 5700 पीवी आए, तो आपके 57,000 पीवी लेफ्ट से और 57,000 पीवी राइट से, और वो 10 सिपाही अपने लिए काम करेंगे, वो 10 डिस्ट्रीब्यूटर, वो 10 कोर डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने लिए काम करेंगे, आपकी लीडरशिप में काम करेंगे, आपकी गाइडेंस में काम करेंगे, तो वो 57,000 पीवी 5,70,000 कितना हो गया, 5,70,000 पीवी, यस 5,70,000 पीवी लेफ्ट में और 5,70,000 पीवी राइट में देंगे, यदि 10-10 का डुप्लीकेशन हो गया। और फिर दोबारा जैसे ही वो 10-10 का डुप्लीकेशन होगा,
किसी के घर में कभी खत्म होगा, किसी के घर में कभी खत्म होगा, तो आपकी जो 3-3 लाख पीवी की मैचिंग है, जो अभी महीने में आ रही है, जो अभी 15 दिन में आ रही है, 20 दिन में आ रही है, 10 दिन में आ रही है, 7 दिन में आ रही है, वो आपकी 3-3 लाख रुपए, 3-3 लाख पीवी की मैचिंग हर दूसरे तीसरे दिन आ सकती है। दैट इज पावरफुल प्रोडक्ट, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए, पूनम को परेशान करिए फोन करके कि मेरी किट बनवाओ, ओके, किस तरीके से बनेगी, और अपना घर पे किसी के नहीं जाना है, आजकल डिजिटल का जमाना है, आप डेली दूसरे दिन तीसरे दिन डेमोंस्ट्रेशन दिखाएंगे तो आपका वो 100% निकलेगा और बहुत मोटा पीवी आपको होगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू अरुण जी। थैंक यू भूषण जी। हम मनीषा हिवारी जी के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बढ़िया डेमोंस्ट्रेशन था। मैंने भी एक वीडियो बनाया है सभी जन के लिए जी, और वो वीडियो मैंने सबको डाल दिया डिटर्जेंट का, तो बहुत लोगों ने, 2-4 लोगों ने वो ऑर्डर किया है और बढ़िया रिजल्ट आए हैं। वो डेमो में मैंने क्या दिखाया, वो शाही का दाग निकलता है, वो डेमो में दिखाया मैंने, वो देख के सब लोग चकित हो गए, ये क्या जादू हो गया है। शाही का दाग किसी डिटर्जेंट के मार्केट का कोई भी पाउडर से नहीं निकलता, लेकिन हमारा एटॉमिकल लिक्विड से निकल गया तो सबको जादू जैसे लग गया। तो बहुत लोगों ने रिकमेंड किया और यूज कर रहे हैं, बहुत कम लगता है, जैसे कि 10 कपड़ों के लिए 20 ml ही लगता है, थोड़ा पानी लगता है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा लिक्विड है, सबको पसंद आ गया, जिन्होंने लिया है मेरे से सबको पसंद आ गया और बहुत बढ़िया है लिक्विड, बहुत शानदार है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने जो डेमो किया था वो हम सबने देखा है, आप सब लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखो कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करना पड़ेगा, कहते हैं ना एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा एफर्ट भी आप लोगों को डालना पड़ेगा सबको। तो थैंक यू मनीषा मैम। दो हैंड रेस से मैं उनको इनवाइट करता हूं, अगर हैं तो, दो हैंड डाउन हो गए हैं, एक पदम मैम का और एक तिवारी जी का। हेलो सर, कैसे आप? फाइन मैम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। सर मेरे दोनों एग्जांपल्स, एक ब्लेस यू दक्षे, बहुत अच्छा आपने एग्जांपल जो किया भी, आई एम प्राउड कि आपने अपनी मम्मी को हेल्प किया, और जो मनीषा जी ने बताया वो दोनों एक्चुअली, एक मेरी मम्मी ने किया है इंक वाला और वाकई वो निकल जाता है, और दूसरा जो पोचे वाला है पूनम जी ने किया अपने पार्लर में, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, और उससे सबसे बड़ा थैंक यू पूनम जी और पूजा जी को, बहुत अच्छा लगा आपने वो लाइव आके, बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आई थिंक लोग आप बहुत ऑर्डर करेंगे, और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एटलीस्ट प्रोडक्ट सेक्शन अपनी टीम्स को जरूर ज्वाइन करवाइए, कि उससे अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स को ही आपको जानना की जरूरत है। सो थैंक यू पूनम जी, थैंक यू पूजा जी, एंड लव यू दक्ष, थैंक यू। थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू सो मच परम सर। जैसे प्रेजेंटेशन के बीच में एक दो चीजें और मैं छोटी-छोटी मिस हो गई, क्योंकि उस समय सब चीजें एक साथ नहीं आ सकती। जो हमारा ये लिक्विड डिटर्जेंट है ना, इसको आप सभी लोग प्री वॉश की तरह भी यूज कर सकते हैं। प्री वॉश मतलब जैसे कि अभी मनीषा जी ने बताया कि इंक का निशान है, तो कई बार अगर हम वो लाइव डेमो कर रहे हैं, इंस्टेंट डाल रहे हैं, तब तो वो निकल रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी शर्ट्स होती हैं जिसमें मतलब कोई निशान लग गया, या फिर कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसमें कोई निशान लग गया और वो हमने बहुत ट्राई करा जा नहीं रहा, या फिर हमने उसको छोड़ दिया कपड़े को ऐसे ही कि अब तो ये पहनना ही नहीं है, इसमें ये निशान लग चुका है। तो उस कपड़े पे क्या कीजिए, आप उसको गीला ना करके उस सूखे कपड़े पे ही उस निशान के ऊपर हमारा जो लिक्विड डिटर्जेंट है उसकी कुछ बूंदे डालिए, और उसको कुछ देर तक, आधा घंटा एक घंटा, मतलब मैक्सिमम 15 मिनट तो आप उसको छोड़िए, 15 से 20 मिनट, और उसके बाद जब आप उसको धोएंगे तो वो ऑटोमेटिकली
निकल जाएगा निशान और बहुत ही इजली निकल जाएगा। और दूसरी बात कि बाकी के जो प्रोडक्ट हैं उसमें 2 साल की आपकी एक्सपायरी है, लेकिन जो हमारा ये लिक्विड डिटर्जेंट है इसके ऊपर आपकी 5 साल की एक्सपायरी है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने इस तरीके से बनाया है कि 5 साल तक भी अगर आपका ये प्रोडक्ट, वैसे ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि इतना बेहतरीन है कि खत्म हो ही जाएगा, ये यूज हो ही जाएगा अगर आप इसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, पर्सनल यूज के लिए भी यूज करते हैं। डेमो में ये है कि डेमो अगर आप किसी के सामने लाइव कर देते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा विश्वास पड़ जाता है, और एक वीडियो देखने में और एक लाइव डेमो करने में बहुत फर्क होता है। तो कोशिश ये कीजिए कि जैसे डेमो किट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा बॉक्स लेना है ना, या फिर कोई बैग ले लीजिए, उसमें आप अपने एक टर्मरिक रख लीजिए, मतलब हल्दी रख लीजिए, एक में अगर इंक जैसे बताया उन्होंने इंक रख सकते हैं, है ना, 2 हम अपने ये कांच के ग्लास भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये भी ना हो तो हम जो हमारे डिस्पोजेबल प्लास्टिक के ग्लास होते हैं वो हम कैरी कर सकते हैं, व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट जो आते हैं, ठीक है। 2 स्पून रख लीजिए, वो भी आजकल डिस्पोजेबल मिल जाती है। सबसे अच्छी बात है कि कहीं पे भी हमें ये धो के, जैसे मैंने तो घर पे करा तो मैंने इसमें कांच के ग्लास में कर दिया क्योंकि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज्यादा होती है, अदरवाइज आप प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल होते हैं वो चीजें कैरी कर सकते हैं और वहीं पे छोड़ के भी आप आ सकते हैं। तो ये सब चीजें आप करेंगे तो आप देखेंगे कि काफी अच्छी क्वांटिटी में आपका ये लिक्विड डिटर्जेंट जो है वो आपका डिटेल हो सकता है। सर थैंक यू मैम। और बहुत सारे लोगों ने एक डेमो भी देखा होगा आपने के 3-3 ग्लास में जिसको कहते हैं उस पे इंक डाल के एक बिल्कुल प्योर व्हाइट कपड़ों में कपड़े में एक पैच के कपड़े में वो दिखाया गया है और घुलते घुलते ही जिसको कहते हैं बिल्कुल क्लीन हो गया वो व्हाइट कपड़ा। वो ऑलरेडी मैं वीडियो कल आप लोगों को फिर से शेयर करूंगा, जरूर मैं ढूंढता हूँ उसको। तो एक्चुअली आप लोगों को वो बताना है जैसे वहां हो रहा है, ट्राई करके देखना है कि आपके पास जो है क्या वो ऐसा हो सकता है क्या। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है बहुत शानदार होने वाला है। अरुण सर, अरुण जी जी, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मैं उन सबको रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपने घर पे डेमोन्स्ट्रेशन करके देखें। सबसे पहले बोलिए मंगा के देखें, सबसे पहले घर पर, अपने घर पर, अपने बच्चों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने स्पाउस के सामने ये डेमोन्स्ट्रेशन करके देखें। यदि बहुत सारे ऐसे स्पाउस हैं या बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं कि उनको प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि वो अपने घर पे इस डेमोन्स्ट्रेशन को करके देखें और उनको समझाएं कि यस ये इस तरीके का प्रोडक्ट है और इतना बेनिफिट देता है हमें। और जब आप अपने हाथों से डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और फिर आप वीडियो के सामने कैमरे के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले आप खुद करके देखें जी। डॉक्टर साहब। यस सर, थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू पूनम जी एंड पूजा जी, जो आप लोगों ने आज करके दिखाया वो एक्चुअली में हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल MLM सिस्टम्स में डेमो चल रहा है तो कई सारे लोगों के दिमाग में था कि जी हम एटमी के प्रोडक्ट का डेमो नहीं दिखाते, तो आज आप लोगों ने देख लिया कि जो हमारे मेंटर है उसके लिए भी सक्षम है और एटमी जो है वो अपने आप में उस लेवल पे भी आपको अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। नॉर्मली हम लोग ये सोच रहे थे कि जैसे बाहर की कंट्रीज हैं जहाँ पे एटमी नाम ही बहुत है प्रोडक्ट के लिए, उनको किसी डेमो वेमो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो एक ट्रेडिशन चला हुआ है तो हमारे मेंटर ने जो आज विचार किया कि उस ट्रेडिशन को भी हम प्रूव करके दिखा दें कि जी अगर आपको डेमो देखना है तो लीजिए जी, हम आपको डेमो करके भी दिखा देते हैं। और ये डेमो आप समझ ही चुके होंगे कि कितनी लाइव डेमो है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर इस डेमो के बाद या इवन आप अपने घर में कपड़े धोने के बाद जो इंग्रेडिएंट इसमें डले हुए हैं, जैसा पहले भी मेंशन किया गया जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर डले हैं, अगर 2 यूजेस आप कर सकते हैं इस पानी का, एक आप यूज कर सकते हैं अपने घर में, घर के पास आसपास जो नालियां हैं उसमें अगर डाल देते हैं तो वहां एक कमाल की बात देखेंगे कि बेड बैक्टीरिया जो है वो उस पानी में डेवलप नहीं होंगे। और इवन अगर आप प्लांट्स वगैरह में भी डालें
तो वहां पे भी जो मतलब छिड़काव करें आप, मैं डालना नहीं बोलूंगा, रूट्स में आप इसके पानी को स्प्रे बना लें, और स्प्रे बना के आप क्या करें उस उन पौधों में जरूर स्प्रे कर दें जिसमें आपको लगता है कीड़े वगैरह लग गए हों। अगर आप उसमें स्प्रे कर देते हैं तो आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि वो कीड़े वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, और उसकी वजह से आप देखेंगे प्लांट बहुत ज्यादा नजर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो कीड़े न्यूट्रिशन ले रहे थे प्लांट का, वो वेस्ट कर रहे थे प्लांट के न्यूट्रिशन को, वो वेस्ट करने वाले जो कीड़े थे वो खत्म हो गए, तो प्लांट भी आपके ज्यादा ग्रीन हरे भरे हो जाएंगे। हरे भरे इसके कारण हो चाहे ना हो, लेकिन कीड़े नहीं होंगे वहां पे तो उसकी वजह से जो न्यूट्रिशन की कमी प्लांट को हो रही थी वो फिर नहीं होगी और प्लांट ज्यादा ग्रीन हो जाएंगे। ये खास बात है जो मतलब लॉजिकल समझने वाली बात है। और एटमी अपने आप में एक ऐसा नाम और एक ऐसा ब्रांड है जो हर लेवल पे आपको अपने आप को प्रूव करके दिखा सकता है। मैं आपको बताऊं, हमारे बीच में हमारे एक डाउनलाइन है, उनका मैं एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं, वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, मैंने अभी मैसेज किया था उनको, तो उनका एक्सपीरियंस था कि वो घर में जैसे डिटर्जेंट उनके घर में आया तो उनके मन में आया कि चलो इस डिटर्जेंट से ना क्या करते हैं कि ये घर का जो वेस्ट कपड़ा है, जो वो सोच रही थी कि इस वेस्ट कपड़े को मैं फेंक देती हूँ या बर्तन वाले को दे देती हूँ, उसने उस वेस्ट कपड़े को ही पहले उसने धो दिया उस पानी में, और आप हैरान हो जाएंगे कि कपड़ा धोने के बाद उसको ऐसी फीलिंग आई कि अब मैं इसको ना फेंकूंगी नहीं, अब मैं ऐसा करती हूँ इसको यूज कर लेती हूँ। मतलब आप सोच के देख सकते हैं कि जो एक क्लोथ घर में फेंकने वाला क्लोथ था उसको उन्होंने दोबारा यूज करने का प्लान कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली किस किस लेवल पे डेमो हो रहा है। अभी आपने देखा फिजिकल डेमो, और अगर आपने इस्तेमाल किया है इसको तो देखिए, एक सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा कैलकुलेशन मैम ने बताया कि 30 ml एक बार में आप यूज करते हैं, 20 से 30 ml, तो आप 2 liter को अगर डिवाइड करेंगे तो 60 डोजेस बन जाते हैं, और 60 डोजेस का मतलब 2 महीना हो गया। और अगर आप अल्टरनेट डेज पे कपड़ा धोते हैं तो 4 महीने ये लिक्विड डिटर्जेंट आपका चल जाता है। वाकई में बहुत ही जबरदस्त बात थी। तो आप सोच सकते हैं, आप जिस भी चीज का डेमो करने बोलेंगे आने वाले फ्यूचर में भी, सारे डेमो जो मार्केट के लोग जो डेमो देते हैं, और मैं आपको एक हैरानी की बात करता हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि कई बार आप देखते हैं कि पूरा कुछ कंपनीज है मार्केट में जो डेमो करती हैं, तो उनके सर्फ में कई बार डेमो सही हो जाता है और कई बार डेमो नहीं होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है, कि कई बार तो आप जो डेमो करना चाहते हैं वो डेमो सक्सेस हो जाता है, और कई बार आप वो डेमो करना चाहते हैं, स्पेशली मैं सर्फ की बात कर रहा हूँ जो उनके पास लिक्विड सर्फ है या उनके पास डिटर्जेंट पाउडर है, उसमें जब वो डेमो करते हैं तो कई कई लॉट में जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें डेमो हो जाते हैं, और कई कई लॉट के प्रोडक्ट में डेमो नहीं होते। तो वो फिर हमने क्या किया, वो डेमो करना ही बंद कर दिया। तो इससे ये पता लगता है कि जो कंपनी मार्केट में ऑलरेडी है वो अपनी क्वालिटी को ना मेंटेन नहीं कर पाती है, और नहीं कर पाने की वजह से कभी डेमो होता है और कभी डेमो नहीं होता, जो शिकायत आपको कभी भी एटमी के डिटर्जेंट लिक्विड में आपको नहीं मिलेगी। प्लस में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा रेट के बारे में, मैम ने, पूजा मैम ने और पूनम जी ने जो बात बोली कि बहुत सस्ता पड़ता है, मैं एक और एंगल आपको देता हूँ। अगर लिक्विड डिटर्जेंट आप MLM कंपनीज जो मार्केट में है उनके लिक्विड डिटर्जेंट को अगर आप देखेंगे रेट, 500 ml की पैकिंग होती है, लगभग 325 रुपए के करीब उसकी कॉस्टिंग होती है। 325 रुपए अगर कॉस्टिंग होती है तो 2 liter की कॉस्टिंग आपकी हो गई लगभग 1300 रुपए, और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 1300 रुपए, और अगर MRP देखें तो MRP लगभग 1500 रुपए MRP। अब आप कंपैरिजन करिए कि एटमी का जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है वो लगभग 1100 रुपए है, तो आप समझ सकते हैं कि 1100 रुपए और उनका जो हो रहा है वो कितना, 1300 रुपए। तो उनसे हमारा लिक्विड डिटर्जेंट सस्ता है। दूसरी बात, क्वालिटी आप डेमो करके देख चुके हैं, क्वालिटी जिसने भी घर में यूज किया है उसने क्वालिटी ऑलरेडी चेक कर लिया है, प्लस में कॉस्ट इफेक्टिव है, पर यूज कॉस्ट अगर निकाल के देखते हैं तो वो आपको सर्फ एक्सेल जो मार्केट में अवेलेबल है, जो एक पॉपुलर नेम है, सर्फ एक्सेल से पर यूज कॉस्ट अगर कम ना हो तो लिक्विड डिटर्जेंट हमारा पैसा आपका। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू अरुण सर।
थैंक यू सर, बहुत शानदार बात कही आपने। ये चीजें ना देखो अपने आप आएंगी आपको, ये कोई सिखा नहीं सकता आपको। जब तक आप ये खुद नहीं करेंगे तब तक ये आपको पता चलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा खुद ट्राई करना है आपको, खुद बात करनी है, खुद चेक करना है जो हम कह रहे हैं क्या सच में सच है क्या। तो इतना ही हम लोग बोलते हैं। किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, या कोई कुछ बोलना चाहता हो तो। तो कोई नहीं सर, तो बहुत अच्छे कमेंट्स हैं मैम, थैंक यू। बहुत शानदार सेशन आज का था। और ऐसी चीजें हम अगर करके देखो, छोटा सा ट्राई है, अपना छोटा सा वीडियो भी आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे भी देखो कहते हैं आप भेजेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ना करने से तो कुछ होगा। तो इसलिए आइडिया जरूर लगाएं कि उस आइडिया से आपको फायदा ही होगा, क्योंकि वीडियो बनाया आपको लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा बना है, आपने सर्कुलेट करना है, आपने अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे लगा देना है, लोगों को लगेगा, रिस्पॉन्ड वो आपको करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, वो कहेंगे ये क्या है बताओ इसके बारे में। और नहीं करोगे, नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया तो कोई किसको क्या पता आप क्या यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल है, ट्राई करें, इसलिए हम लोग कहते हैं। तो थैंक यू पूनम जी को भी, पूजा मैम को भी, और डॉक्टर साहब ने जो लास्ट रिव्यू दिया, डिटेल बताई, वो भी बहुत शानदार थी। तो हमको समझना है कि हमको क्या क्या करना है, करना क्या क्या है, बस इतना जान लीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो पूनम मैम कुछ बोलना चाहते हैं आप? थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच डॉक्टर एस कुमार, और स्पेशली थैंक्स टू रेनू पासी जी और पूजा मित्तल जी हैं। रेनू जी ने बहुत ही बढ़िया होस्टिंग करी, और पूजा जी ने जो रोल प्ले करा, पूजा जी और मैंने ऐसे ही अभी दिन में ही प्लान करा उसके लिए, बस मैंने और उन्होंने 5 मिनट डिस्कस करा, और सामने से मुझे ये जवाब आया कि पूनम जी इसके लिए हमें प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो नॉर्मली हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जब हम ये चीजें, जैसे अभी अरुण सर भी कह रहे हैं कि हम ये तो बेसिक चीज है ना, ये हम रोज ही कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने रोल प्ले करा तो हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी कि हम ये बोलेंगे ये बोलेंगे। मैंने नॉर्मली पूजा जी से बोला और पूजा जी ने मुझसे बोला कि नॉर्मली जैसे हम अपने कस्टमर से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं तो उसी तरीके से करेंगे। तो थैंक यू सो मच पूजा जी, आप एकदम से तैयार भी हो गए और बहुत ही बढ़िया आपने कोऑपरेट करा। और फ्रेंड्स मैं यही बोलना चाहूंगी कि जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आप बता नहीं पाएंगे, और जब तक आप बता नहीं पाएंगे तब तक आप रिटेल नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप रिटेल नहीं कर पाएंगे आपको आपकी टीम में कोई डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा, और जब तक आपको कोई डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा तब तक आपकी टीम आगे नहीं बढ़ेगी और आपका वॉल्यूम नहीं होगा और आपको मैचिंग नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। सबसे पहले आप यूज कीजिए, एक अच्छे यूजर बनिए, एक अच्छे लर्नर बनिए, फिर एक आप अच्छे प्रमोटर बनिए, और फिर आप क्या बन जाएंगे जो आप चाहते हैं, इंपीरियल मास्टर, क्राउन मास्टर, जो भी आप ड्रीम लेकर आए हैं ना इस बिजनेस में वो सब सच होने वाले हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले शुरुआत, हम हमेशा बात करते थे फर्स्ट मैजिक सर्कल की, यानी कि जो सबसे मजबूत सर्कल है ना, आपने अपने नीचे 2 लैग बिल्ड कर दी, ठीक है, आपने 2 अच्छे लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, लेकिन अगर फर्स्ट सर्कल जो है ना वो स्ट्रांग नहीं होगा तो नीचे वाले भी स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो किसको देख रहे हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। तो अपने ऊपर काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज कीजिए, उनके बारे में नॉलेज लीजिए, उनके बारे में रिटेल कीजिए। जब हम भी कोई सेशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कंपनी से ही सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम बहुत सारी चीजों को गूगल करते हैं, नोट बनाते हैं, उसके बाद हम आपको आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो वही है जिस तरीके से एक हम एग्जाम देने जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, नॉलेज लेते हैं, तो सेम वही है एक सेशन के लिए भी। और आप सब लोग इतना अच्छा अप्रिशिएट करते हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें तब मजा आएगा जब आप में से बहुत सारे लोग, जैसे मनीषा जी बता रही है कि मैंने वीडियो बनाया तो बहुत अच्छा लगा सुन के, तो जब आप लोग आगे आके सेशन करेंगे ना तो हमें देखने में सुनने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं जब डॉक्टर एस कुमार इतना अच्छा सेशन लेते हैं, जब आई वी पटेल जी इतना अच्छा बताते हैं, है ना, बहुत सारे लीडर है, जब अरुण सर सोशल मीडिया के बारे में बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुन के, और जब भीष्म जी का
बिशप जी कह रहे हैं मेरे बारे में बोलो, बिशप जी जब बताते हैं तो फिर हम अपना फोन बंद रखते हैं और फिर उनके फोन से ही सुनते हैं, और सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है क्योंकि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था सेशन करने का, उन्होंने अचानक से ही बोल दिया कि कलर डिटर्जेंट का सेशन होगा, और ये उन्हीं के वर्ड्स हैं कि अगले थर्सडे एक और प्रोडक्ट का सेशन होगा और जिसमें कि हम कुछ ना कुछ लाइव डेमो करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या होगा वो सरप्राइज है और मुझे उसके लिए वॉलंटियर्स हमेशा से चाहिए होते हैं। तो आप में से जो लोग भी इन्वॉल्व होना चाहते हो तो प्लीज आप कॉन्टेक्ट कीजिए, हमें मजा आएगा नए नए लोगों को देख के सुन के उनके साथ काम करके। और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ लर्निंग इज अर्निंग, ज्यादा से ज्यादा सीखिए सिखाइए और पैसे बनाइए। थैंक यू सो मच, बैक टू वेरी रिस्पेक्टेड एंड जो हमेशा हमारा साथ देते हैं अरुण सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पूजा मैम, सॉरी पूजा मैम को भी और पूनम मैम को दोनों को थैंक यू कहता हूँ आज के सेशन के लिए, और रेनू पाची जी आपने होस्टिंग भी बहुत अच्छी करी, थैंक यू आपको भी। और अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। ओके, अमृत जी कुछ बोलना चाहते हैं? अमृत छेत्री अनम्यूट कर सकते हैं सर? अमृत सर ऑप्शन दिया है, अमृत जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑप्शन होगा अनम्यूट का। हेलो जी, नमस्कार, आवाज बहुत कम आ रही है अमृत जी आपकी। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ। राइट, ओके, वेलकम। मुझे वो एक आदमी ने इसमें ऐड किया था। ओके। लेकिन मेरा यूजर नेम और पासवर्ड कुछ भी नहीं मिला है मुझे अभी तक। जिन्होंने ऐड किया है क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? उसका नाम है राधेश्याम अटल। राधेश्याम, मिल जाएगा। डॉक्टर कुमार प्लीज अमृत जी का आईडी पासवर्ड सर। डॉक्टर एस कुमार, मिल जाएगा अमृत जी बिल्कुल 100% आपका आईडी पासवर्ड। राइट सर, मैंने जो उनके सीनियर हैं उनको बता दिया। ऋषभ जी प्लीज देख लीजिएगा। श्योर 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 सर श्योर। अमृत जी आपसे अभी कांटेक्ट करेंगे हम लोग मीटिंग के बाद। ओके थैंक यू सर। तो अमृत जी आपको आपका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, और ऋषभ जी और डॉक्टर एस कुमार आपके टॉप सीनियर्स में से एक हैं। राइट सर, ये आपको हेल्प करेंगे। ओके सर, थैंक यू। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। अगेन डेली ये 8 बजे होता है, आप अपने भी लोगों को यहाँ पे ला सकते हैं। आज प्रोडक्ट था, बिजनेस प्लान भी होता है यहाँ पे, ट्रेनिंग भी होती है कि कैसे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। राइट सर, ओके सर। राइट, थैंक यू वेरी मच सबको, थैंक यू। इस मीटिंग को हम एंड कर रहे हैं, थैंक यू, कल मिलते हैं दोबारा से। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।